उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राजघाट स्थित द्वारिका मंदिर में भगवान के पाठ उत्सव का कार्यक्रम के अवसर पर 9 दिवसीय वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या व अन्य जनपदों के श्रद्धालु इस वाल्मीकि रामायण कथा में सम्मिलित हुए और कथा का रसपान लिया। वहीं द्वारिका मंदिर के महंत स्वामी सूर्य नारायण चार्य ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान का पाठ उत्सव कार्यक्रम मंदिर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन किया गया। कथा की अमृत वर्षा जगत गुरु रामानुजाचार्य ने किया और श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान ग्रहण किया और भक्ति में लीन हुए। 6 जुलाई को भगवान का अभिषेक हुआ, श्रृंगार हुआ। आज 9वें दिन कथा का पूर्णाहुति विधि विधान पूर्वक समापन हुई। शाम को भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें अयोध्या के साधु संत सम्मिलित होंगे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान का पाठोत्सव चल रहा है, प्रतिवर्ष पाठोत्सव मनाया जाता है। इसी समय में इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा रखी गई। जगतगुरु रामानुजाचार्य रत्नेश्वरपन्नाचार्य जी महाराज ने बड़ी दिव्य कथा सुनाई है, बड़ा आनंद रहा। इसी बीच में 6 तारीख को विशेष पाठोत्सव हुआ था, भगवान का विशेष अभिषेक श्रृंगार वगैरह हुआ था। अभी कथा का मतलब पूर्णता प्राप्त हो रही है और इसके बाद जगोपवीत का कार्यक्रम हो, शाम को भंडारा। प्रतिवर्ष पाठोत्सव इसी समय पर होता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर सप्तमी अष्टमी के बीच में। तो बस यही मान के चलिए कि जो धर्माचार्य अभी अयोध्या में उपलब्ध हैं, सबने कृपा किया है, सबने अनुग्रहित किया है, सबने कृपा किया है और आए हैं कथा में। और अपना देखिए, यह तो सृष्टि के प्रारंभ से गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है और आषाढ़ देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।